हेलो दोस्तों, वीडियोटर में फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Adobe प्रीमियर प्रो 2020 में आप कैसे कलर करेक्शन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे इस चैनल पे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो Adobe प्रीमियर प्रो। तो आपके सामने ये वीडियो क्लिप है, यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट कर चुके हैं। अगर आप Adobe प्रीमियर प्रो या दूसरे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी हम इस तरह की वीडियो को अपलोड करें तो आपके सामने नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट कर चुके हैं। कलर करेक्शन के लिए आपको Adobe प्रीमियर प्रो में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट कर चुके हैं और मैं फ्यूचर में Adobe प्रीमियर प्रो पे भी वीडियोस लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरीके के जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में वीडियोज़ लाएँ। तो यहाँ से हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लिप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे दो जगह कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इफ़ेक्ट जब लगे तो आपको मालूम हो। तो यहाँ से हम वीडियोज़ को स्प्लिट कर चुके हैं, स्लाइस लगा चुके हैं। तो जिस वीडियोस पे जिस क्लिप पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन है तो इसी पे ये इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाता है कलर, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा तो कलर के अकॉर्डिंग जितने भी इसकी जो विंडोज़ होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे कलर से रिलेटेड आपको देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। सबसे पहले आपको वीडियोज़ का नेम ऊपर मिल जा रहा है, वीडियोज़ का नेम यहाँ पे है। उसके बाद ल्यूमेट्री कलर यहाँ पे दिया गया है, इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ल्यूमेट्री कलर भी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक करेक्शन है, क्रिएटिव दिया गया है, कर्व्स दिया गया है, कलर विल्स एंड मैच दिया गया है, HSL सेकेंडरी दिया गया है, विंटेज दिया गया है। तो हम यहाँ पे इस क्लिप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम बेसिक करेक्शन देखेंगे। बेसिक करेक्शन में सबसे पहले आपको अगर आपके पास कोई लट है, लट क्रिएट करके रखे हैं तो लट से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास लट है पहले से तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप ब्राउज़ करके अगर पहले सेव करके रखें तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ प्रीसेट बने मिल जा रहे हैं, इनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का लट्स इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सेट हो, लट से हो सकता है कि दूसरे टाइम पे बनाई गई या इवनिंग टाइम है, हो सकता है ये लट मॉर्निंग की हो तो सेट नहीं करेगी यहाँ पे। तो जिस तरीके की आपकी क्लिप रहेगी उसी अकॉर्डिंग आपको लट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहला तरीका कि आप लट चेक कर लीजिए, अगर कोई लट आपके क्लिप के अकॉर्डिंग मिल रही है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैन्युअली इसमें जो चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बारी बारी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी लट पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये जो लट है अलेक्सा डिफ़ॉल्ट्स LOG, तो हम इसको रहने देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे इसको हम नन कर देते हैं। और नन करने के बाद आपको नीचे एक मिल जाता है ऑटो, सिंपली ऑटो पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये क्या करेंगे कि यहाँ पे वाइट बैलेंस जो है इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करके कि कौन से कलर को आप कैसे इस पर रखना चाहते हैं, वाइट बैलेंस को ऑटो इस पर रखना चाहते हैं या किसी दूसरे कलर को आप यहाँ पे ऑटो पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके आप किसी भी एक कलर को आप चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिक उस पर जो अप्लाई होगा चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से ऑटो को हटा देते हैं, रीसेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कलर चूज़ करना पड़ेगा WB सिलेक्टर से कि किस कलर पे आपको इफ़ेक्ट लगाना है, तो हम ये कलर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर इस कलर का कैसे रखना है, यहाँ से हम इसको टेम्परेचर को हम यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हैं। इसके बाद टिंट को अगर आप कम बढ़ती करना चाहें तो कम बढ़ती कर सकते हैं, टिंट पे आप देख सकते हैं किस तरीके का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसके टोन्स के ये मिल जा रहे हैं, मेन्यू मिल जा रहे हैं, अगर सबको आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। टोन में जो आपका एक्सपोजर है इसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे आपका कंट्रास्ट दिया गया है, कंट्रास्ट को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि दोनों में क्या इफ़ेक्ट आया है। इसी तरह हाईलाइट्स को भी आप कम बढ़ती कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा कम बढ़ती कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो आपकी वीडियोस की जो लुक होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग की वीडियोस जो शूट की हैं तो मॉर्निंग का इफेक्ट देने की कोशिश करिएगा, अगर इवनिंग की है तो इवनिंग का इफेक्ट देने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आप इवनिंग की जो शूट की हैं उसको मॉर्निंग का इफेक्ट दे दें तो वो आपका ठीक नहीं लगेगा। इसी तरह सैचुरेशन जो आपका है यहाँ पर आप कम बढ़ती कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट हल्का फुल्का आ रहा है इस पर।
इसी तरह यहाँ पे बेसिक करेक्शन के बाद यहाँ पे मिल जाता है क्रिएटिव। क्रिएटिव में आपको देख सकते हैं कि क्रिएटिव में लुक्स पहले से बने बनाए मिल जा रहे हैं। इनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सिंपली एक दफ़ा क्लिक करिएगा तो यहाँ पे लुक्स आ गया। अदरवाइज यहाँ से भी आप चाहें तो इसको बारी बारी यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा तो ये लुक्स यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले से दे रहा है, अगर इसको आप चेक करना चेंज करना चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं, या उस पर जब ठीक लग रहा है तो उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई लुक्स का नेम अगर आपको मालूम है तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आप इसको कस्टम में आप जाके इसको अपलोड भी कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका व्यू है, व्यू पे भी आप अच्छी तरीके से देख के उसको अप्लाई कर सकते हैं। इवनिंग का आपको लुक देना है तो आपको इवनिंग ही का ठीक लगेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा इवनिंग का इफ़ेक्ट आपको दे रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से दे लेते हैं ये वाला SL बिग ब्लूज़, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अभी देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी अगर आप कम बढ़ती करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा के देख सकते हैं, जितना आपको सही लगेगा उसको सही कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एडजस्टमेंट को अगर आप चाहें तो कम बढ़ती कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे शार्पन को भी अगर आप इसको कम बढ़ती करना चाहें तो कम बढ़ती कर सकते हैं। तो आपकी वीडियोज़ में जो है शार्पनेस यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगी। इस तरह वाइब रेंज को भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप फोटोशॉप में या लाइट रूप में जितने मेन्यूज़ होते हैं सभी आपको मेन्यू यहाँ पे मिल जा रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब शार्पन, वाइब्रेंस, सेचुरेशन, ये सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब जितने भी फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरह यहाँ पे टिंट बैलेंस को आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे शैडो पे कौन सा टिंट देना चाहते हैं, हाईलाइट पे कौन सा टिंट देना चाहते हैं, यहाँ पे टिंट बैलेंस को अगर कम बढ़ती करना चाहते हैं तो कम बढ़ती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम शैडो पे इस तरीके का टिंट देना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे टिंट को आप टिंट बैलेंस को आप यहाँ पे कम बढ़ती कर सकते हैं कि कितना आपको टिंट रखना है। तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे कर्व में आपको मालूम है एक कर्व में जैसे जितने भी होते हैं RGB कलर्स उनके कर्व्स होते हैं, तो यहाँ पे वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू दिया गया है। तो आप इनको आप चाहें तो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऊपर का कर्व ऊपर मतलब हाईलाइट में रहेगा और नीचे का जो होता है वो डार्क्स में मोड को जो होता है डार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप ग्रीन कलर को कहाँ पे कितना रखना चाहते हैं, यानी हाईलाइट पे कितना रखना चाहते हैं, डार्क पे कितना रखना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह रेड को भी आप चाहें तो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड जो है कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो ग्रीन को हम थोड़ा जो ब्लू है हम उसको थोड़ा सा कम करते हैं और जो रेड है हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके का इफ़ेक्ट जो इस पे है स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। यानी जो इवनिंग की टाइम होती है जो सनसेट होता है तो वो भी इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह ह्यू सेचुरेशन जो कर्व्स होते हैं उनको भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इफ़ेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ह्यू वर्सेस सेट किया गया है तो यहाँ पर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप किस इसमें रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको डार्क या ये सब रख सकते हैं। तो यहाँ से आप कलर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऊपर जो होगा लाइट में हो जाएगा और नीचे जाएंगे तो डार्क में हो जाएगा। तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ह्यू वर्सेज ह्यू दिया गया है तो इसको भी आप चाहें तो कोई एक कलर को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कलर पिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन में आ चुका है। अब इसको आप किधर ले जाना चाहते हैं यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं उसके अलावा, तो वो जो होगा वो इस्टेब्लिश होगा। बाकी कलर में आप यहाँ देख सकते हैं कि चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ह्यू वर्सेस ल्यूमा दिया गया तो मैं सब में चेंजेस करूँगा तो वीडियोज़ की जो लुक होगी वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह यहाँ पर आपको कलर विल्स एंड मैचेस को भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंपेरिजन व्यू दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप कंपेरिजन व्यू को चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों यहाँ पे कंपेरिजन व्यू दे रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई मैच पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे सामने खुद ही कंपेरिजन है तो यहाँ से हम इसको फेस डिटेक्शन दिया गया है। फेस डिटेक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मिड टोन्स दिया गया, मिड टोन्स में आप कैसे कलर को रखना चाहते हैं, हाईलाइट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट इसको कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ मिड टोन आ चुका है, इसको आप कम करना चाहते हैं तो नीचे लाएंगे तो यहाँ मिड टोन से जो है वो डार्क मोड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिड टोन से नहीं चाहिए, हम इसको बीच में रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो मिड टोन से हम इसको छोड़ देते हैं, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह HL सेकेंडरी है
तो यहाँ पे अगर आप इसको मालूम होगा की कलर की के बारे में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से कलर को पिक करना है उसके बारे में चेंजेस करना है, तो ये सब आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर सबको यूज़ करें तो वीडियोज़ काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो फिलहाल हम कुछ कुछ कलर को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कलर ग्रेडियंट या कलर करेक्शन आप किसी भी वीडियोस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको Adobe प्रीमियर प्रो 2020 का ये जितने भी मेन्यू दिए गए इस तरीके के, हो सकता है कि आप कुछ ओल्ड वर्जन का यूज़ करें तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन सब में जो काम करने का तरीका है सेम है। यहाँ जितने भी करेक्शन करना रहता है कलर में, सेम आपको अमाउंट, मिड टोन्स और ये सब दिया गया। इस तरह जो लास्ट बचता है विजनेट का ऑप्शन बचता है, तो अगर आप इसको अमाउंट कम बढ़ती करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि विंटेज जो होगा यहाँ पे इसके राउंडेड यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे -5 है तो यहाँ से हम इसको कम करेंगे -3। इसी तरह मिड पॉइंट्स पे अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब वीडियोस क्लिप को जब प्ले करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप Adobe प्रीमियर प्रो 2020 के अंदर आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और इस तरीके की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो की जो जब भी हम पब्लिश करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। मैं स्टूडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ तब तक दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।